All right, we are on air right now, and we have a very special guest with us. This is Ram, your host, dost, not guide, but just a friend. And we have with us a very special guest, Deepika Narayan Bharadwaj. Thank you so much, Deepika ji, for joining. My And pleasure, Ram. Thank you so much for having me on your show. कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका दिन आज? बिल्कुल बढ़िया. आपका दिन काफी चैलेंजिंग रहा. काफी दिन होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा शौक. मेरी अभी 2 बजे कॉल थी दो ऐसा जिन दोनों को कि महिला ने रेप केस में फंसाया हुआ है, अच्छा और एक फैमिली के तो तीनों के तीनों लड़के हैं, तीनों भाई जो हैं उनके ऊपर उसने एलिगेशन लगाई हुई है, और दूसरा लड़का है जो बिल्कुल डिफरेंट है. सेम ही लड़की ने सेम ही एलिगेशन के साथ रेप केस लगाया हुआ है. ये बहुत तो इंटरेस्टिंग मैं है कि जनता को जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. और जो भी यूएस में हमें सुन रहे हैं, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, दीपिका जी एक एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है और वो यूट्यूब पे है. उन्होंने टेड टॉक भी किया है और उसका नाम है मैन द ऑफर. और उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है एंड शी इज अ वेरी एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट. और हम थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने बुलाया, फुली एक्सेप्टेड इट. सो वी आर वेरी फॉर हर एंड हम उनका पर्सपेक्टिव सुनेंगे. सो इनिशियली दीपिका जी, अगर आप हम आपसे पूछे कि आई बिलीव देर इज इन पर्सनल इंसिडेंट दैट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस एक्टिविज्म, सो आप अगर ब्रीफली बता सके हमारे ऑडियंस को सो दैट दे आर अवेयर अबाउट इट. तो राम, जिस जिस इंसिडेंट से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था, वो जो इशू है वो आई थिंक बहुत सारे जो इंडियन डायस्पोरा हैं, जो यूएस में रहते हैं, उन लोग वो लोग भी वाकिफ होंगे उस इशू से. 2011 में मेरे परिवार के साथ एक ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक झूठा डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम जो है मेरे परिवार के ऊपर लगाया गया, और सफेद झूठ उसमें बोले गए. एक्चुअल मुद्दा जो था वो ये था कि उन महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद नहीं शुरू हुआ था, शादी से पहले ही वो इस इंसान के साथ 3 साल से इन्वॉल्व थी, और क्योंकि वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे, तो ये जो मेरे मेरी फैमिली में जो ये शादी हुई वो एक समझौता टाइप्स थी. तो जो उन दोनों उन लोगों ने डिसाइड करके और इस शादी को जो है अंजाम दिया, और ये सोचते हुए कि शादी के बाद भी अफेयर कंटिन्यू रखेंगे और जो है मेरे परिवार को बेवकूफ बनाते रहेंगे. लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता रहा, और मैंने किया भी है. तो मैंने बहुत जल्दी सबूत जुटा लिए कि जो है वो हमारे को बेवकूफ़ बना रही थी, और फिर उनके और उनके परिवार के समक्ष रख दिए. तो पहले तो वो लोग बहुत गिल्टी से थे, और उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनकी बेटी ने इस तरह का वाकया किया. लेकिन उसके बाद एक समझदार परिवार होने के नाते हम लोगों ने भी कुछ ऐसा कोई इल इंटेंशन नहीं था, सिर्फ ये था कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो वो इस शादी को नहीं निभा सकती हैं. तो इसी बात पे, इसी रजामंदी से जो है डिवोर्स फाइल हुआ. फर्स्ट पेटिशन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की फाइल हुई. लेकिन इंडिया में क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप डिवोर्स लेते हैं तो 6 मंथ्स का एक कूलिंग पीरियड होता है. कि हो सकता है कभी कभार लोग जल्दी में या फिर जल्दबाजी में गलत फहमियों में डिसीजन ले लेते हैं कि डिवोर्स कर लें. तो कोर्ट्स जो है समझती हैं कि 6 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड उनको दिया जाए हस्बैंड वाइफ को, ताकि वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर सके. और फिर 6 मंथ्स के बाद अगर वो सोचते हैं कि हाँ उन्हें अलग ही होना है, तो सेकेंड मोशन पास हो जाता है, और उसके बाद जो है डिवोर्स फाइनली ग्रांट हो जाता है. तो ये जो सेकेंड था, उससे पहले ही ये जो लड़की का परिवार था उन्होंने अपनी डिवोर्स की पिटिशन जो है विथड्रॉ करी, और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने उनको 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया, और उनसे दहेज की डिमांड करते थे, और उनको हर रोज मैं पीटती थी, मेरे परिवार वाले पीटते थे, मेरे भाई पीटते थे. तो इस तरह के इल्जाम जो है सफेद झूठ, जिनका कोई एविडेंस कोई सच्चाई से कहीं कहीं दूर तक नाता नहीं था, वो हमारे ऊपर लगाए, और हमारे को स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने धमकी दी कि या तो आप हमारे को पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर 498 कर देंगे. 498 आईपीसी का एक सेक्शन है, जिसमें पुरुष और उसके परिवार यानी हस्बैंड और उस पूरी फैमिली को इम्प्लिकेट कर दिया जाता है. 2011 में जो हमारे साथ ये हुआ, उस टाइम पे बहुत फ्रीक्वेंटली अरेस्ट होते थे इस सेक्शन के अंडर. हस्बैंड उसके पूरे परिवार को इमिडिएटली जेल डाल दिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई पूछताछ नहीं होती थी, और
उसके बाद जो है उनसे पैसे डिमांड किए जाते थे केस को सेटल करने के लिए। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली बोल दिया था कि हम इस एक्सटॉर्शन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जो है मीडिएशन फिर हुई और उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर 200 दोनों परिवार अग्री हुए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है। और सब लोगों ने हमें बहुत डराया कि एकदम से जेल में डाल दिए जाओगे और बहुत ज़्यादा हरासमेंट और टॉर्चर आपको फेस करना पड़ेगा। तो सब लोगों ने हमें एडवाइस किया कि किसी भी तरह से जो है इस केस से आप निकल जाइए, और उस समय पे मुझे इतना ज्ञान नहीं था चीज़ों का, तो जो हमारे को एडवाइस मिली वो हम लोगों ने मानी। लेकिन हालांकि हमने अपनी शर्तों पे सब चीज़ें करी बजाय कि उनकी शर्तों पर, लेकिन फिर भी हम लोग को एक सर्टन अमाउंट उनको देना पड़ा जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। तो ये वाकया पूरा हो गया, वो डिवोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद जो उसके जो आफ्टर मैथ्स हुए, मेरी फैमिली में मैंने डिप्रेशन बहुत नज़दीकी से देखा, मेरी फैमिली में मैंने सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत नज़दीक से देखी। सिर्फ एक ऐसी महिला को हमारे घर में लाने की वजह से जिसने हमारी पूरी जिंदगी को, पूरी फैमिली को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया बिना हमारी किसी गलती के। और कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उसके पास कानून ऐसे थे इंडिया के जो बहुत ज़्यादा वन साइडेड हैं। तो 2012 में फिर जब ये पूरी चीज़ें ऑलमोस्ट निपटने लगी, तो फिर उसके बाद काफ़ी मैंने रिसर्च करनी शुरू की कि ये क्या है चीज़ 498A। तब पता चला कि हजारों हजारों लाखों परिवार हैं इंडिया में जिनको झूठे 498A के केस में फंसाया जाता है, उनसे एग्जॉर्बिटेंट एलिमनी के नाम पे एक्सटॉर्शन करी जाती है, ये बोल के कि या तो आप इतने पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम आपके पूरे फैमिली को जो है एक नहीं दो नहीं चार पांच छह सात पता नहीं कितने केसेस जो हैं हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर फाइल कर देते हैं। तो तब जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से सुसाइड तक कर रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे एज ए जर्नलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, एक्सचेंज फॉर मीडिया उसका नाम है, और मैंने अपने बॉस को बोला कि सर आप मुझे प्लीज़ 1 साल का समय दीजिए, मैं इस इशू के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती हूँ, बिकॉज़ लोगों को पता होना चाहिए कि वो सिर्फ अकेले नहीं हैं। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनको मतलब जो जिनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए और फाइट बैक करना चाहिए। तो मैं अवेयरनेस लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, मुझे लगा 1 साल ये डॉक्यूमेंट्री बना के अपनी तरफ से थोड़ा सा कुछ सोसाइटी को गिव बैक करूंगी एंड देन आई विल गेट बैक टू माई जॉब। बट जब इस स्पेस में मैं घुसी तो इतनी ज़्यादा मैंने क्या बोलूँ, मैं लोगों की पीड़ाएं देखी सुनी समझी कि वो 1 साल की डॉक्यूमेंट्री का सफ़र जो है 4 साल का हो गया। मार्टर्स ऑफ मैरिज जो है बनाते बनाते मैं कहीं ना कहीं फिल्म मेकर जर्नलिस्ट से एक एक्टिविस्ट बन गई, और 2016 में मार्टर्स ऑफ मैरिज हम लोगों ने रिलीज़ की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस डॉक्यूमेंट्री को रिस्पॉन्स मिला अक्रॉस इंडिया, हम लोगों ने 22 शहरों में स्क्रीनिंग की, जुडिशल अकेडमीज में भी थैंकफुली इसको दिखाया गया, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने इसको देखकर अंडरस्टैंड किया, और हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में भी, दुबई में भी, यूके में भी इसकी स्क्रीनिंग्स करी, और फाइनली फिर ये 2018 में नेटफ्लिक्स पे आई 2 साल के लिए। उसके बाद फिर मैंने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई इंडिया सन्स, जो कि हाल में जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखती है प्रॉब्लम इंडिया में, खासकर आदमियों को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो है झूठे रेप के केसेस, और ये इतनी ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। तो इंडिया सन्स मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो उन लोगों की कहानी है जिनको झूठे रेप के केसेस में फंसाया गया था, और किस तरह कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी किया, और उनकी जर्नी, उनकी ऑर्डील, उनकी स्ट्रगल्स, और किस तरह से कानून जो है इतना ज़्यादा एक तरफा हो गया है कि आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, चैट्स हैं, बहुत सारी एविडेंसेस हैं प्रूव करने के लिए कि आप इनोसेंट हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला के शब्दों से पता नहीं कितनी ज़्यादा लोग हैं जिनको झूठे रेप के केसेस में फंसाया जा रहा है और हरास किया जा रहा है। तो ये मेरी जर्नी अभी तक कहीं ना कहीं रही है राम, और यार ऑब्वियसली पर्सनल एक इश्यू से इंस्पायर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत पहले छूट गई। अब मेन इंटेंशन यही रहता है कि लोगों को मदद की जाए, लोगों की हेल्प की जाए। दैट्स ग्रेट दीपिका जी जो आप कर रहे हैं। एंड हमारे साथ अभी ज्वाइन कर गए हैं पूर्वेश ठक्कर जी। वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। दे ही हैज बीन मेडिटेटिंग फॉर मोर देन 30 इयर्स। यहाँ पर वो मेडिटेशन कैंप भी चलाते हैं एंड बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनका स्पिरिचुअल जगत में नाम है स्वामी प्रेम मैत्रे। सो एंड प्रेम भाई ये हैं दीपिका जी।
और इन्होंने आई थिंक आपने उनकी काफ़ी स्टोरी सुनी होगी। हाँ, मैंने सुना और आपने भी बताया था, एक दो दिन से हमारी बात भी हो रही है। तो दीपिका जी, वेलकम टू द रेडियो ऑन एयरवेव्स ऑफ फन एशिया। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस दीपिका जी, आपका जो ये स्टोरी एंड स्ट्रगल जो आप जिस पैशन से कह रही है वो डेफिनेटली दिखता है। एंड आजकल के ज़माने में बड़ा इजी हो गया, अगर कोई मर्द बोलता है ये बात को तो उसको मिसोजिनिस्ट फौरन ही लेबल कर दिया जाता। तो आई थिंक इट वाज द नीड ऑफ द आवर, बीइंग अ वुमन अगर आप बात करते हो तो उसका वेटेज अलग होता है। बट आपको भी कुछ ऐसा झेलना पड़ता है मेरे ख्याल से कि आपको एंटी फेमिनिस्ट, एंटी वुमन ऐसा बोल देते हैं, तो हाउ डू यू डील विद दैट? राम, अभी पिछले ही हफ्ते का, पिछले ही नहीं, इसी इसी हफ्ते का वाक्या है। मेरी डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्क्रीन होने वाली थी। और जो स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करी थी वो थैंकफुली, एंड मैं कहूँगी कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक्चुअली देख रही हैं कि क्या हो रहा है और वो चाहती हैं कि इन सच को, इस तरह के सच को सामने लेकर आया जाए। तो उन्होंने, कुछ महिलाओं ने, जो एक डिपार्टमेंट की फैकल्टी थी, उन्होंने स्क्रीनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन स्क्रीनिंग से सिर्फ दो दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स ने, फेमिनिस्ट्स ने, इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जो है वाइस चांसलर को एक चिट्ठी लिखी और ये लिखा कि ये फिल्म जो है एंटी वुमेन है, एंटी जेंडर इक्वालिटी है, बैकवर्ड थिंकिंग है, इरेशनल थिंकिंग है, और प्रोग्रेसिव जो लोग हैं उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की एक ईमेल ड्राफ्ट की और वाइस चांसलर को भेज दी और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई। तो आज नहीं, पिछले पता नहीं कितने सालों से जो है बहुत सारे इस तरह के एलिगेशंस मैं सुनती हूँ कि आप एंटी फेमिनिस्ट हैं, एंटी वुमेन हैं और मिसोजिनिस्ट हैं। क्या जहाँ, जिस देश में महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव होता है, वहाँ आप पुरुषों की बात भी कैसे कर सकती हैं, और पेट्रियार्कल हैं, और बहुत सारी उपाधियाँ दे दी गई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्होंने ना ही तो मेरा कोई भी काम या मेरी फिल्म देखी है, ना ही कभी ऐसे परिवारों से शायद उन्होंने बात की है जिनकी मैं सच्चाइयाँ सामने लेकर आती हूँ। और मुझे लगता है एक ढर्रे से और एक नैरेटिव से और एक प्रोपेगेंडा जो मैं जिसको देखूंगी उस पर्सपेक्टिव से वो जो है मुझे टारगेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी कोई भी ऐसा केस किया है जहाँ पे एक महिला एक्चुअल में विक्टिम थी जिसको मैंने फर्जी बताया हो। इतने केसेस मैं कर चुकी हूँ, इतने केसेस उजागर कर चुकी हूँ, आज तक कोई एक केस नहीं आया है जहाँ पे मैंने किसी फीमेल विक्टिम को गलत टारगेट किया हो। हाँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो फर्जी हैं और उनको बिल्कुल धड़ल्ले से उनका फर्जीवाड़ा मैं लोगों के सामने लेकर आई हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसी कोई जेन्युइन विक्टिम नहीं है जिसके खिलाफ मैंने कुछ किया हो और बाद में मुझे सॉरी फील करना पड़ा हो कि मुझसे गलती हो गई। बल्कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने मुझे गालियां दी कि आप इस केस में पुरुष का साथ क्यों दे रही हैं, आप इस केस में पुरुष के लिए खड़ी क्यों हो रही हैं। और फाइनली जब कोर्ट्स की जजमेंट आई और फाइनली जब वो केस पूरा का पूरा लोगों के सामने आया, तो यही यही सच सामने आया कि पुरुष जो था वो सही था और महिला जो थी वो झूठ बोल रही थी। चाहे वो रोहतक सिस्टर्स वाला केस हो, चाहे वो सरजीत सिंह वाला केस हो, चाहे वो रोहतक डबल गैंग रेप जो झूठा पाया गया वो केस हो, चाहे वो गाजियाबाद का गैंग रेप केस हो जो झूठा पाया गया, चाहे वो अब हाथरस केस भी हो। हाथरस केस की अभी जजमेंट आई है, वो इंडिया में एक और इंटरनेशनली भी उस केस की इतनी हेडलाइंस बनी थी, इतनी हेडलाइंस बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जबकि 3 लोगों को उस केस में जो है बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर झूठ के उस पे उनको इम्प्लिकेट किया गया था, और अब जब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया है हर चार्ज से, तो भी लोग ये नहीं देखना चाहते कि जजमेंट में क्या सच्चाइयाँ लिखी हुई हैं, किस तरह से उनको झूठा फंसाया गया और किस तरह से जो प्रोसिक्यूशन की स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल फॉल्स थी। तो कहीं ना कहीं राम, अपनी कॉन्शियंस को मैं बहुत क्लियर रखती हूँ। 10 साल एक्टिविज्म में अपने आप को एस्टैब्लिश करना और कोई भी एक एलिगेशन ना होना जहाँ पे आपके ऊपर किसी भी तरह से किसी भी
अल्टीरियर मोटिव या फिर कोई गलत काम आप कर रहे हो या फिर किसी सेल्फ एडवांटेज के लिए कोई काम कर रहे हो, आज तक किसी इंसान के पास ऐसा कोई एक एलिगेशन नहीं है जिस वजह से मेरे काम को टारगेट कर सके। तो मुझे ये लगता है जब तक मेरी कॉन्शियंस क्लियर है, जब तक मैं लोगों को न्याय दिला सकती हूँ, जब तक मैं बिल्कुल सच्चाई से इस लड़ाई को लड़ सकती हूँ, कोई कुछ भी बोलता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने किसी तरह की एक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उन सबको गालियाँ पड़ी है, उन सबको किसी ना किसी तरह के एलिगेशंस का सामना करना पड़ा है, कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ता है अभी तक। हालांकि थैंकफुली वो नहीं आया है मेरी लाइफ में मोमेंट कि मुझे किसी झूठे इल्ज़ाम पे जेल जाना पड़े, लेकिन मुझे पता है कि ये लड़ाई जो है आसान नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे टारगेट करेंगे क्योंकि बुराई के खिलाफ जो भी कोई आवाज़ उठाता है उसको कहीं ना कहीं बुराई दबाने की कोशिश करती है। तो बस लड़ते रहना है, यही रिजॉल्व है, इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कभी कभार ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कभार रो देती हूँ, कभी कभार बहुत डिप्रेशन हो जाता, डिप्रेशन तो नहीं मैं बोलूँगी बट होपलेसनेस हो जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, कभी कुछ बदलाव आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन वो मोमेंट्री होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टिविस्ट है काम करना, उसके बाद उन काम का, उन एफर्ट्स का क्या रिजल्ट आए वो मेरे ख्याल से सिस्टम, लॉ मेकर्स और मेरे ख्याल से भगवान के हाथ में है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है पूर्वी जी, मैं इनके बारे में स्टडी कर रहा था। एंड ये एक्चुअली आप पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी इन्फोसिस में, जी एंड देन जी आपने छोड़ा बिकॉज उनके लाइफ में एक पर्सनल इशू हुआ जहाँ पर ये केस हुआ, एंड देन जब वो गहरा उतरे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक काइंड ऑफ सैड रियलिटी है इंडिया हाँ का। देखो, ये मैंने भी कई जगह ऐसा ऑब्जर्व किया है, लोग जीवन के अल्टीरियर मोटिव्स को अचीव करने के लिए क्या नहीं करते, झूठे केस, किसी का उपयोग करना। तो मेरी मेरी एक किताब में लिख रहा हूँ, इसमें थोड़ा ऐसा चीज़ है जिसको नोटिस हो रही है, आई लव यू द राम ग्रेटेस्ट। मैं सर को अच्छी तरह से सुन नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मैं एक किताब अब आ रही आवाज़? हाँ जी, तो आवारी। मैंने कहा कि ऐसा मैंने देखा है, अल्टीरियर मोटिव्स के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं जीवन में, और लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, प्रेम के नाम पे करते हैं, कभी पैसों के लिए करते हैं, कभी सेक्स के लिए किया जाता है, तो कभी नाम कमाने के लिए लोग करते हैं। और ये बड़ी दुख की बात है कि अभी भी इस दुनिया में ऐसा होता है, और लोग ब्लेम कर देते हैं कलयुग चल रहा है। कहाँ का कलयुग भाई, तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा है जो भी चल रहा है, तुम ही चला रहे हो, तुम ही बना रहे हो, या कोई और चलाने वाला नहीं है। तो सुधारो अपने दिमाग की सोच को, जरा जाग के जियो, क्योंकि हर चीज़ जो हम करते हैं उसका एक इम्प्लीकेशन अंदर छाप पड़ती है। हम जो बोलते हैं वो हम सुनते भी हैं, हम जो करते हैं उसका एक इम्प्रेशन हमारे दिमाग में भी पड़ता है। लोग इतने अंधे हैं कि वो सोचते हैं किसी को झूठ बोल देंगे, किसी से कुछ छीन लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अल्टीरियर एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम हैप्पी है इन वन वे अदर, और एक आनंद की खोज में इंसान क्या कुछ नहीं करता। तो ये अगर लोग थोड़ा जागे और जाग के देखे, अगर हम किसी को चीट कर लेते हैं, किसी को चीट करके 50 लाख कमा लिया सपोज केस करके, इससे होगा क्या? आपको पैसा तो मिल जाएगा, समझो पैसा तो मिल गया, बट देखो नेक्स्ट टाइम जीवन में प्रेम की क्षमता कम हो जाएगी, विश्वास आप कर नहीं पाएंगे। आप धीरे धीरे पहले विश्वास दूर के लोगों पे नहीं करेंगे जिसको हम दुश्मन कहते हैं, फिर थोड़ा मन और मन की जो आदत बनी है न विश्वास करने की थोड़े करीब आएगी, तो आप बोलेंगे फैमिली पे भरोसा है, फैमिली के बाहर के लोगों पे भरोसा नहीं है। अविश्वास की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, आदत बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब हम अविश्वास कर रहे हैं बाहर के लोगों के साथ। तो धीरे धीरे लोग बदल जाएंगे, घर के लोगों पर विश्वास नहीं होगा, धीरे धीरे साथ में सोई हुई बीवी या हस्बैंड पे भी विश्वास नहीं होगा। हिटलर जैसे लोग थे, हिटलर को कहा जाता था कि वो अपनी वाइफ को भी अपने कमरे में सोने नहीं दे सकता था रात को, वो अलग। और क्रेमलिन का था, में जो दूसरा रशियन प्रेसिडेंट था पिछली सेंचुरी में, तो
उसका भी यही हाल था, 12 कमरे रखे थे, उसकी वाइफ को भी नहीं पता था कौन से कमरे में सो गया है, क्योंकि वहां भी भरोसा नहीं कर। क्या देखो कितना गरीब हो जाता है इंसान, पैसा मिल जाता है, पावर मिल जाता है, प्रेस्टीज मिल जाती है, बट अंदर से कितना डरता रहता है, उसको भरोसा अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है साथ में सोने के लिए, करेक्ट। इतनी और गरीबी आ इसमें जाती है। मैंने इसमें देखा है कि वो अपने चक्कर में कई बार काफ़ी मासूम लोगों को भी बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग माता पिता भी इससे सफ़र किए हैं। जैसे मैं कल बता रहा था एक स्टोरी कि एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में एक ब्रदर, दोनों ही बड़े हाई लेवल पे मैनेजर्स थे, उनमें से एक पे केस लगा दिया, तो दोनों को ही उन्होंने पूरे फैमिली को उनके मदर के साथ जेल में रख दिया। एंड देन उनकी पूरी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो गई, एंड अल्टीमेटली दे वेर प्रूव्ड इनोसेंट, बट देन उन्होंने अपनी कंपनी छोड़कर दे स्टार्टेड स्टडिंग लॉ, एंड आज वो बहुत बड़े वकील बन चुके हैं हाई कोर्ट में। तो इट वाज वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरीज, बट हर एक में इतनी हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग टूट जाते हैं इससे। कई लोग अपनी फैमिली को परेशान देखकर, फॉर सालों सालों तक परेशान होकर देख के आई थिंक टूट जाते हैं। मैं मानता हूँ ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है, ये तो देखो लीगल मैटर हो जाता है, प्रेम में भी ऐसा हो जाता है। अगर ये तो मेरा तो ये बड़ा टॉपिक है, इस पे दूसरी किताब मैं लिख रहा हूँ, मेरी जो जर्नी इन सर्च ऑफ लव की किताब है। इंसान प्रेम के लिए शादी करता है, अब शादी ब्याह रिश्ता बनाता है, कोई भी रिश्ता, अब रिश्ते में से प्रेम चला जाता है, बट फैमिली उसको अटैच हो जाती है रिस्पेक्ट की वजह से, कि बोले कि अब तो शादी होगी, अब नहीं तोड़ सकते, अलग नहीं हो सकते। और इसमें कितनी जिंदगियां तबाह हो रही है, मैं देखता हूँ लोगों के जीवन में प्रेम ही नहीं है, फिर भी शादी में जिए जा रहे हैं। अब मैं मानता हूँ प्रेम है और शादी हो, आप साथ में रहो, पर जब प्रेम चला जाए फिर उस शादी में रह के कैसे जिया जाए, जब प्रेम ही नहीं है उसको आप एक बिस्तर में कैसे सोओगे, उसका हाथ पकड़ के कैसे फिक्स करो रिलेशनशिप को फिक्स करने की। मैं ऐसा नहीं कहता पहला ही झगड़ा हो अलग हो जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत समझ लेना आसान है, बट इसे देखो, फिक्स करो लाइफ को, चेंज करो अपने आप को, देखो कहाँ गलती हो गई, कहाँ से हमने नफरत पाल ली एक दूसरे के लिए, कि कैसे ये प्रेम का जो सुंदर रिश्ता था वो बदल गया, उसको फिक्स करने की कोशिश ना हो। अगर बाद में निष्कर्ष यही निकलता है कि दो लोग कंपैटिबल नहीं है, गलती से हो गई मिस्टेक, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। इनफैक्ट समाज को रिस्पेक्ट देना चाहिए प्रेम को, शादी को नहीं। अभी क्या है, रिस्पेक्ट है शादी का, रिश्तों का, लोगों का। मेरे हिसाब से जब प्रेम चला जाइए, मैं तो अपने अनुभव की बात करता हूँ, पर्सनल लाइफ की बात रख भी सकता हूँ, पर वो तो मैं बोलूँ वो ठीक ना होगा, बट मेरा ऐसा मानना है, हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ को किसी और से प्रेम हो जाए, हस्बैंड को किसी और से हो जाए, तो हंसते हंसते हस्बैंड या वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, भी तुझे किसी से प्रेम हुआ मैं तेरे लिए इंतजाम कर देता हूँ, यू जस्ट मूव ऑन विद दैट पर्सन, आप आगे बढ़ो, आप प्रेम में जियो, तो मेरे लिए खुशी की इससे बड़ी क्या बात होगी। इतना मैच्योरिटी और उसका एक्सेप्टेंस, उसका पार्टी रखना चाहिए कि भी चलो आपको मुझसे प्रेम हुआ, हमने साथ थोड़े साल निकाले, अब आपको किसी और से प्रेम हो गया, तो क्या बात है, अच्छी बात है। कोई प्रेम में जिए जिससे हम प्रेम करते थे या करते हैं, जो हमारा दोस्त है जिसके साथ हमने इतने साल निकाले, उसे किसी से प्रेम हुआ, प्रेम तो सेलिब्रेशन की वजह है, तभी तो शादी को इतना धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, और वजह से लोग मनाते हो तो वो पागलपन है उनका, शो ऑफ, वो अलग है, बट जनरली प्रेम सेलिब्रेशन की वजह है, इसलिए शादी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और जब प्रेम चला जाए तो किसी और से प्रेम हो जाए उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, वो ना ना कि पजेसिव हो जाना चाहिए कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा हस्बैंड है, किसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं भाई, प्रेम कर किया ना प्रेम हो जाता है। वो आजकल काफ़ी मैंने देखा है कि कागजी कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहता था दीपिका जी, कि 498A की जब हम बात करते हैं, उसकी थोड़ी आप हिस्ट्री बता सके, क्योंकि वो अमेंड हुआ था किसी अच्छे मोटिव से कि वुमेन को अच्छा बेनिफिट हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल आई जो उन्होंने मिसयूज़ की काफ़ी लोगों ने, एंड अब आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको, आप ज़रा ब्रीफ में बताएंगे तो हमारी ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा होगा। देखिए राम, जैसे अगर हम देखें कि वैसे तो सारी कंट्रीज़ में जो है लॉज डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सोसाइटीज़ डिफरेंट हैं, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हैं, लेकिन इंडिया में एक ऑब्वियस सी बात है, दहेज या डाउरी की जो प्रॉब्लम है वो सालों साल से, पता नहीं कितने दशकों से चलती आ रही है, अभी भी होता है, खुले में नहीं होता है, बिहाइंड द डोर्स होता है, लेकिन दहेज की डिमांड्स तो अभी भी होती हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि
जस्ट बिकॉज मैं आदमियों के लिए फाइट करती हूँ, उनके सच्चाई के लिए फाइट करती हूँ, तो मैं इस चीज़ से अपनी आंखें मूंद सकती हूँ कि दहेज के लिए आज भी बहुत सारी लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहले से बहुत 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 कम हो गया है। और ज्यादातर फैमिलीज जो हैं उनका आपसी लेन देन ही होता है, लेकिन जब बातें बिगड़ जाती हैं तो हर चीज़ को दहेज बोल दिया जाता है। तो 1980s में क्या हुआ था कि जो सबसे पहले तो 1960s में एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था, डाउरी प्रोहिबिशन, डीपी एक्ट 1961 उसको बोलते हैं, जिसमें दहेज लेना और देना भी, सिर्फ लेना नहीं कि मांग रहे हो, देना भी, अगर आप दहेज दे रहे हैं तो भी आप गलत हैं, और अगर आप दहेज मांग रहे हैं तो भी आप गलत हैं। तो एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था। तो अब क्या है कि कानून तो ले आते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के आने के बावजूद 1970s के एंड में बहुत सारी ऐसी दिल्ली में और हरियाणा में और बहुत सारी अक्रॉस इंडिया जो है ऐसी ऐसी एपिसोड्स दिखने लग गई, जहाँ पे महिला जो है किचन में काम कर रही थी और सडनली स्टोव फट गया और वो मर गई, या फिर वो खाना बना रही थी और एकदम से तेल गिर गया और वो जल गई, या फिर एकदम से सिलेंडर बर्स्ट हो गया और जो है वो जल गई। तो इसको ब्राइड बर्निंग का नाम दिया गया था उस टाइम पे। तो बहुत जो है 1980s की स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट हुए, फिर 1983 में जो है क्रिमिनल लॉ अमेंड किया गया और एक ये नया कानून बिल्कुल लेकर आया जिसका नाम है 498A। तो 498A क्या कहता है कि फिजिकल और मेंटल क्रूवल्टी ऑन अ वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, तो सिर्फ हस्बैंड नहीं, कोई भी उसके जो रिलेटिव्स हों जो कि उस महिला को प्रताड़ित करते हैं, उनको जो है इस कानून के अंदर जो है उनको सजा मिल सकती है। 3 साल का इसका इम्प्रिजनमेंट है अगर कन्विक्शन हो जाए तो, और नॉन बेलेबल ये ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एकदम से पहले FIR रजिस्टर हो जाया करती थी, और बेल जो है पुलिस नहीं दे सकती आपको, बेल जो है आपको कोर्ट से ही लेनी पड़ेगी। तो जब ये कानून आया था, बहुत स्ट्रिक्ट कानून आया था 1980s में, परिवारों के परिवार जो हैं महीनों महीनों सालों सालों सड़ते रहते थे जेल में, एक शिकायत हुई बस, और जो है विदाउट किसी प्रूफ विदाउट किसी एविडेंस उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो 1980s के ऑलमोस्ट एंड में मेरे ख्याल से सबसे पहला जो आर्टिकल शायद आया था वो 1989 में आया था कि किस तरह से 498A का जो है मिसयूज किया जा रहा है। तो उसके बाद से तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारी जजमेंट हुई, लेकिन कानून को इसलिए लेकर आए थे कि दहेज की वजह से जो वायलेंस जो एक मैरिज में हो रही थी उसको जो है कंटेन करने के लिए, उसको जो है सजा देने के लिए इस कानून को लेकर आए थे। लेकिन आज के समय पे 2023 हो गए हैं, हो गया है, 40वीं सालगिरह है इस कानून के आने की, और मैं हैरान रहूंगी अगर पिछले साल इस कानून के अंदर, हालांकि लाखों लोगों के ऊपर इस कानून का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर 4,000 लोगों का भी कन्विक्शन हुआ हो, या मैं तो कहूंगी 400 लोगों का भी शायद कन्विक्शन हुआ हो पूरे भारत में, क्योंकि ये कानून जो है आज के समय पे सिर्फ और सिर्फ एक सेटलमेंट का जरिया बन के रह गए। आप केस फाइल करो, आप उसके बाद इतना सारा पैसा डिमांड करो। मैंने नहीं बोलती कि सारे के सारे केसेस झूठे होते हैं, नहीं, बहुत सारे केसेस में एक्चुअल में वायलेंस होता होगा, एक्चुअल में डाउरी की डिमांड होती होगी, लेकिन सैडली उन केसेस को भी उसी नजरिए से देखा जाता है कि अच्छा ये एलिगेशंस आपने लगाए हैं, आप सही में क्या मुद्दा है वो बताओ, आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, और आपको क्या चाहिए ये बताओ। तो कानून जो है सेटलमेंट का टूल नहीं हो सकते। अगर वायलेंस हमारे को स्टॉप करनी है, एलिमिनेट करनी है, तो जो लोग वायलेंस कर रहे हैं उनको पनिश करना जरूरी है, और जो लोग वायलेंस नहीं कर रहे हैं उनको हरास उनकी हरासमेंट ना हो ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर जो कानून है उसका मजाक बन के रह जाता है। और मुझे तो यही लगता है कि आज के टाइम पे 498A का जो लॉ है उसका बिल्कुल मजाक बन के रह गया है वो। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, इसकी दो कानून आने की 30वीं सालगिरह, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, 9 साल पहले, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट में कहा कि ये जो कानून है 498A, इसका उनकी
द्वारा बार बार बोले जाने पर भी कि इस कानून का दुरुपयोग मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बहुत सारी हाई कोर्ट ने भी कहा, जाने कितने सारे लोगों ने, कितने सारे कमीशन ने कहा कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन स्टॉप नहीं हुआ। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ये लैंडमार्क जजमेंट अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा कि अब जो है 498A में इमीडिएट अरेस्ट पुलिस नहीं करेगी, अगर कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं है, अगर कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है, अगर बिल्कुल जाहिर तौर पे दिख नहीं रहा है कि महिला के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, हस्बैंड या फिर उसके परिवार की अरेस्टिंग नहीं होगी, उनको बकायदा एक समन्स इशू किए जाएंगे, उनको बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया जाएगा, और अगर जरूरत लगे कि हाँ इस आदमी ने या इसके परिवार ने कुछ बहुत गलत किया है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो धड़ल्ले से लाखों लोगों की जो अरेस्टिंग हो रही थी 498A में, उसके ऊपर पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने कर्ब लगा दिया। अब जो देखते हैं 2014 के बाद वो इंसानियत का मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा लोएस्ट लो मैंने देख चुकी हूँ। मैं पिछले 8 सालों में, लगभग 10 साल हो गए हैं, 2012 में मैंने एक्टिव शुरू किया था काम, 2014 में ये जजमेंट आई, 2014 के बाद जो मैं होते हुए देखती हूँ, मुझे औरत होने के नाम पे शर्म आती है। महिलाएं अपने बुजुर्ग ससुर 80 साल 85 साल के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा रही हैं, मॉलेस्टेशन का आरोप लगा रही हैं कि मैं एक दिन इनके कमरे में गई तो इन्होंने मुझे गलती से छूने की कोशिश की, बस एक सिर्फ इतनी सी लाइन, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल वो उसी घर में चाहे रही हो, लेकिन बहुत साल पहले का कोई ऐसा बस एक लाइन लिखवा देंगे। बुजुर्ग ससुर के ऊपर बलात्कार का आरोप, छोटे से देवर के ऊपर बलात्कार का आरोप, जेठ के ऊपर बलात्कार या मॉलेस्टेशन का आरोप। मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में एक अवधेश यादव की मैंने कहानी साझा की है लोगों के साथ, जब उसकी बीवी जो है 498A का झूठा इल्जाम लगा के, डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा इल्जाम लगा के उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड जो है पूरी नहीं करवा पाई, तो उसने उनके भाई और उनके पापा के ऊपर मॉलेस्टेशन का झूठा इल्जाम लगा दिया। वो लड़का एक बैंकर था, यंग इंसान बिल्कुल, विद सो मेनी ड्रीम्स, सच अ पॉजिटिव गाय। मैंने उनके पूरे, जब मैं शूट पे गई थी तो मैंने उनके पूरे पड़ोस में भी सब लोगों से बात की, तो सब लोगों के सिर्फ एक ही शब्द था कि वो एक जेम ऑफ अ पर्सन थे। और वो लड़का जो है सुसाइड नोट लिखकर, और ये लिखकर कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन्स राइट कमीशन, कोई भी कमीशन सेटअप कर लीजिए ये इंक्वायरी करने के लिए कि उनके परिवार की कोई भी गलती थी कि नहीं, लेकिन क्योंकि उनके पिता को, उनके भैया को, उनकी पूरी फैमिली को इतना ज्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी, तो उन्होंने अपने आप को उस चीज का दोषी माना और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपनी वाइफ और अपने इन लॉज के ऊपर ब्लेम लगाया कि उनके सुसाइड का रीजन वो है, लेकिन इवेंचुअली फिर भी उस केस में कुछ हुआ नहीं। तो अब तो मतलब हद हद एलिगेशंस, ऐसे एलिगेशंस जिसको पढ़ के आपको इतना बहुत बुरा लगे, कोई सिर पैर नहीं। लॉयर्स ये ड्राफ्ट करते हैं पिटिशंस, जाने उनकी इंसानियत कहाँ मर जाती है किसी भी तरह के। कि ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहां पे एक लेडी ने ये इल्जाम लगाया कि उसकी जो ननद है उसका हस्बैंड और ये उसके जो हस्बैंड है उसके पिताजी, यानी कि एक ससुर अपने दामाद के साथ मिलके अपने बेटे की बहू के साथ रेप कर रहे हैं। मतलब बस एक ये एफर्ट कि जितने लोगों को आप जितने सीरियस ऑफेंस में डाल सकते हो डालो, और उसके बाद एक मोटी रकम का डिमांड करो, 35 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, इस तरह की डिमांड जो है इन केसेस में आज के समय पे आम दिखाई देती हैं। और दुख होने की बात तो ये है कि कोर्ट्स जो हैं फिर उसके बाद सेटलमेंट के नाम पे इन केसेस को कॉश कर देते हैं, बजाय कि उस महिला को पनिश करने के कि आप, अगर आपके साथ रेप हुआ था तो आप यहाँ पे सेटलमेंट करने आ रही हैं पैसे लेकर। तो इतना ज्यादा खराब सिचुएशन हो गया है, और कहीं ना कहीं जो वैल्यूज इंडियन कल्चरल सिस्टम की थी, जो एक फैमिली हमारी एक इतनी इम्पॉर्टेंट यूनिट थी, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उसका ब्रेकडाउन, और इतना मैं तो बोलूँगी कभी कभार मुझे लगता है चीर फाड़ की तरह उसका जो हमारी कोर्ट्स में, हमारी पुलिस में, हमारे पुलिस स्टेशन में उस फैमिली यूनिट का चीर फाड़ हो रहा है, और इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम। और कभी कभार मतलब बहुत अफसोस लगता है कि
पढ़ी लिखी महिलाएं, बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो किसी भी एक्सटेंट तक जा रही हैं झूठ बोलने के, सिर्फ उनकी ग्रीड की वजह से। और जो सर ने पहले बोला कि प्रेम जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, कितने केसेस हैं, अभी मैं एक अपनी रिपोर्ट भी रिलीज करूंगी राम, हम लोगों ने काफी महीनों से हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि कितने सारे पुरुष हैं जिनकी वाइफ्स ने उनका मर्डर कर दिया। एक सेकेंड दीपिका जी, आई थिंक हमें एक हाँ जी, कॉलर आया है। हेलो, यू आर लाइव ऑन द एयर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑल वेल सर जी, आप लोग पहली चीज तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एवरी डे यू गाइस स्पीक अप अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सिचुएशंस इन अ कॉमन मैन लाइफ, वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक्स। यू टू कीप अप डूइंग द गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड since I was listening to Deepika ji, I would just want to add something. Say why there is something called marital rape also, which has been recently implemented in India. Why don't you guys talk about a little bit on that also? I think that's a good point. We will talk about that, Please. and Thank that's you. important. We'll But yeah, talk thank about you so that. much for your call, sir. Thank you so much. Thank you, sir. You guys have a good day. You You too. too. Take care. सो आई थिंक जैसे कॉलर कह रहे थे, उनका टॉपिक भी थोड़ा लेते हैं और बात कर सकते हैं उसके बारे में। दीपिका जी वाज सेइंग समथिंग, विल यस फिनिश दैट एंड हाँ देन जी, टॉक हाँ जी, आई अबाउट जस्ट कंप्लीटेड। दैट। क्या है कि बहुत बहुत बिल्कुल सच है कि अगर एक और आपकी कॉल आ रही है। एक और कॉल आ रही है, ले लेते कॉलर, ले लेते और ठीक है। हेलो, दिस इज वनीषा लाइव ऑन द एयर। हेलो, हेलो, दिस इज फनीशिया, यू लाइव ऑन द एयर। नमस्कार राम भाई एंड परवेश जी। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? अरे ये आप लोगों ने बिल्कुल बहुत सीरियस टॉपिक पे छेड़ अभी थोड़ी देर में लाइट नोट, लाइटर नोट पे ले आते हैं। आई नो टॉपिक आज का थोड़ा सीरियस है। इट्स आई हैव लिव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई हैव हैड रिलेटिव्स एंड neighbors who got caught in that 498. And it's not only that, it was so blanket, even the people who were in police department and were very well connected, their families got into jail and they couldn't do anything. So it is very systematic. But what it exposes is whether it is child abuse or spouse abuse in any country, wherever the laws are, like in this country, the same is with the divorce and abuse laws. People, wherever it is biased towards, they're going to take an advantage. Whether it's a lady or a boy or whoever it is involved, they don't think that where it hurts, they think that how I can use it to my advantage. Correct. And that's what I would have to add. Thanks. But yes, thank you so much, sir, for your call. तो दीपिका जी, हम एक्चुअली रखना चाहते हैं, मतलब हम जनरली बात करते हैं बहुत सीरियस टॉपिक्स पे, लेकिन हम उसको बड़ा लाइटली फन वे में ले लेते रहे हाँ, रोज। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हाँ देखो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें तो हो ही रही है, सीरियस चीज़ें होती है, क्राइम भी होते हैं और लोग ये भी करते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, ये सेटलमेंट भी होते हैं। दुख की बात है डेफिनेटली, इसके लिए लोगों को जागरूक तो होना ही चाहिए। फिर वो अपना ये हो, डाउरी हो या फिर अब्यूज़ हो, इसके लिए जागरूक तो लोगों को होना ही चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्रीड। वह साथ ही साथ में हम ये भी कहेंगे कि कहीं कोई अपने आप भी जिम्मेवार होता है, इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जाने अनजाने में। इंसान अगर थोड़ा जाग के जिए तो उसकी ये प्रॉब्लम्स और समस्या थोड़ी कम हो सकती है, कुछ कुछ न कुछ नासमझी रहती है जिसमें वी गेट आवर सेल्स इन टू ट्रबल। मैं ऐसा मानता हूँ कि भी किसी तरह से हम ट्रबल को इन्वाइट भी करते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम थोड़ा समझ के अपनी स्टेप ले और देखो गलत वजहों से शादी ना कर ले, गलत रिश्ते बांध ना ले, और उसमें अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। अगर प्रेम को परखने की समझ आ जाए लोगों को तो पहले ही मैं राउंड में थोड़ा सा पहले डिसअग्री करूंगी, मुझे तो लगता है कि हमने, हमारे साथ ये जो हुआ उसमें शायद कोई हमारी, मेरे ख्याल से ऐसी कोई गलती नहीं थी, हमने तो प्रेम समझ के और बहुत नहीं, ही ऑनेस्टली
ऑनेस्ट इंटेंशन से जब मेरे घर में वाकया हुआ किया था, मुझे तो सिर्फ एक ही रीजन समझ में आता है, ये हमारे लिए हमारे साथ होना था और उसके बाद मुझे ये एक्टिविज्म करना था, मुझे लगता है ये मेरी लेखी थी, मेरे मेरी जिंदगी की लेखी थी कि हमारे साथ ये हुआ और फिर मैं ये काम करना ही, और आज के समय पे हजारों शायद लाखों लोग जो हैं कहीं ना कहीं मेरे में होप देखते हैं या मेरे काम की वजह से उनको थोड़ी बहुत मदद मिल पाती है, उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि हमने कोई भी ऐसा पहलू, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि इंसान वो इंटेंशनली करता है, बट आई थिंक इसमें से आपने जो अच्छा ही निकाल ली, जो अच्छा ही आपने निकाल ली, कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो होती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हर हर चीज का अपना रोल होता है। जैसे कि अर्जुन महाभारत में फंस गया, उसको युद्ध करना पड़ा, लोगों को मारना पड़ा, वो है। इसी तरह से हम भी लाइफ की सिचुएशन में कभी आ जाते हैं और उससे हमसे हम उसको अगर किस तरह से लेते हैं, आपने जैसे पॉजिटिव ले लिया उसमें से निकाला कि भाई ये लोग कितने परेशान हो रहे, अपना दुख लेके आपने सुसाइड नहीं कर लिया आपके फैमिली के किसी इंसान ने, आप लोगों ने उसको समझा, जाना, उसको एक पॉजिटिव लिया कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए और लोगों की मदद हो सकती है। ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही लोग चाहिए संसार में जो अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम को लोगों को ब्लेम करके दुखी ना हो जाए, डिप्रेस ना हो जाए, डिप्रेशन सबका सामना करके उससे बाहर निकल के संसार के उद्धार के लिए कुछ काम करें। वेरी राइट पॉइंट। लेकिन दीपिका जी, आपको इसके पीछे क्या रीजन लगता है? इज इट के लेडीज जो कुछ करती हैं ये वो पहले से प्री प्लान्ड होता है, या फिर उनके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये बैकअप प्लान चलते रहता है कि 498A है, या फिर उनको कोई गाइड करता है? कहीं सुनने पे आया है कि उनके लॉयर्स भी उनको कहते हैं कि आप ये वाला केस लगा दें तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि वो करते क्यों है ऐसा? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें बोलूँगी मैं राम। पहली बात तो ये कि एक जो लार्जर पॉइंट है, वो लार्जर पॉइंट ये है कि कभी एक कोई भी आदमी अगर किसी महिला के साथ या किसी और के साथ अगर गलत करता है, चाहे वो वायलेंस है, चीटिंग है, मैनिपुलेशन है, विंडिक्टिवनेस है, ग्रीड है, कुछ भी, बहुत सारे वाइसेस या बहुत सारे रॉन्ग्स होते हैं जो आदमी करते हैं, हम बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हम ये फैक्टर ढूंढे कि उसने ये क्यों किया। जो हम चाहते हैं वो यूजली होता है कि उसको उसके करने के लिए पनिशमेंट मिले क्योंकि उसने किसी के साथ गलत किया। तो एक तो पहलू ये है कि जो रॉन्ग डूअर है उसके रॉन्ग्स को देखा जाए और कितनी ज़्यादा, वो डेफिनेटली एक क्रिमिनल साइकोलॉजी और इन सब चीज़ों की जब हम स्टडीज़ करते हैं तो बहुत सारे हम फैक्टर्स एनालाइज करते हैं, बट जहाँ पे मुझे लगता है पनिशमेंट की बात आती है वहाँ पे जो रॉन्ग है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, ये सिंपल सी बात है। तो उससे ही दूसरा पहलू निकलता है कि ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस तरह का काम जो है वो मिसगाइडेड होके करती हैं, चाहे वो लॉयर की मिसगाइड किया हो, चाहे वो पुलिस वालों ने मिसगाइड किया हो, चाहे वो किसी ने भी मिसगाइड किया हो। लेकिन बात यहाँ पे सबसे बड़ी आती है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे बुरे को जानते हैं, आप सच क्या है झूठ क्या है इसको जानते हैं, आप ये जानते हैं कि दूसरे इंसान ने आपके साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है। उन सब चीज़ों को, पहलुओं को अपने ध्यान में रख के आप एक अपना दिमाग लगा सकती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तब अगर आप गलत चूज करती हैं तो कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि ज़्यादातर केसेस ये होते हैं जहाँ पे झगड़े की जो रीज़न होता है वो कुछ और होता है। सबसे ज़्यादा जो मैं झगड़े का रीज़न देखती हूँ आज के समय पे है वो है कि एक तो जॉइंट फैमिलीज़ में आजकल की लड़कियाँ जो हैं रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। अब हमारे फैक्ट है या हमारी सोसाइटी का कि ज़्यादातर माँ बाप जो हैं वो सोचते हैं कि उनका बेटा बड़ा होके उनका ध्यान रखेगा, उनका बेटा बड़ा होके उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये फैक्ट है हमारी सोसाइटी में, अभी भी वो है, वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है। बच्चे बहुत पहले निकल जाते हैं, कोई भी पेरेंट्स फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या इमोशनली अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रखते हैं। बट इंडिया में आज के टाइम पे भी थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन आई थिंक 90-92% लोग तबका ऐसा ही है समाज का जहाँ पे लोग यही सोचते हैं कि हम अपने बेटे को बड़ा करके उसकी शादी करेंगे, हमारी बहू आएगी वो हमारा ध्यान रखेगी और हमारा बेटा जो है हमारा फाइनेंशियली हमारा ध्यान रखेगा, इकोनॉमिकली हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई सोशल सर्विस की यहाँ पे वो है नहीं, गवर्नमेंट कोई सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे देती नहीं है।
तो लेकिन महिलाएं जो हैं आज के टाइम पे वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए, उनको किसी की नोक टोक नहीं चाहिए, वो फैमिली में या फिर अपने हस्बैंड के साथ जैसे भी रहना चाहें वो वैसा रहना चाहती हैं। अब साफ सी बात है, दो पीढ़ियां जो हैं उनमें आपसी कुछ ना कुछ मतभेद होंगे, किसी ना किसी चीज पे कहा सुनी होगी। तो इस कहा सुनी के बाद क्या होता है कि ज्यादातर जो मैंने केसेस में देखा है, महिला बोलती है कि भैया मैं तो सास ससुर के साथ रहूंगी नहीं, मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है। लड़का अगर बोल देता है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, वो बहुत बड़ा रीजन है डिस्प्यूट आई का थिंक महिला फिर। ये चीज़ में मैं आई थिंक दिस ये हम कल परसों भी बात कर रहे हैं इस बाबत में, आपको काटना नहीं चाहता था, बट क्या है कि इसमें बात कर रहे हैं, आई थिंक किसी का ऐसा डिमांड रखना कि मैं अपने तरीके से रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं नहीं मानता उसमें गलत है। और अगर हस्बैंड कहता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा या वैसे ही रहूँगा, अगर फाइनेंशियली अफोर्ड हो सकता है, माँ बाप का भी आप ध्यान रख सकते हैं फाइनेंशियली, उनका भी केयर हो सकता है, तो आई थिंक अलग अपने स्पेस में जीना अच्छी बात है, उसमें कुछ बुरा नहीं मानता मैं, क्योंकि दो ईगो अलग है और दो ईगो क्लैश तो होंगे ही, हस्बैंड वाइफ के ही हो रहे, अब इसमें दो और रिश्ते आपको संभालने पड़ेंगे तो और ही डिफिकल्टी हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल दो दो जन को साथ रहने में इतनी तकलीफ होती है, और लेकिन बाद में जब ईगो बिल्कुल क्लैश होते हैं बाद में लीगल चला जाता है, आदमी को गलत एडवाइजर मिल जाता है, हाँ हाँ जब ईगो की क्लैश हाँ होती है गलत एडवाइजर आ जाता है कि तेरे साथ ऐसा हुआ ये तो होना ही नहीं चाहिए था, अब आग में तेल डालने वाले लोग तो हजारों बैठे, अब उसमें से फिर केस में से केस बन जाता है, तो ये आई थिंक जी ये अगर अगर इसकी जड़ को देखा जाए तो अहंकार को और रिश्तों को थोड़ा अलग से मैनेज करना आना चाहिए, और पहले जी तो जी जी ज़्यादातर रिश्तों में ज़्यादातर इश्यूज़ जो मैं देख रहा हूँ ये इश्यूज़ ज़्यादातर हो रहे हैं शादी के बाद ही हो रहे हैं, तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसके पहले नहीं नहीं हो रहे, अगर जड़ को काटा जाए तो ज़्यादातर समस्याएं हल हो सकती है, मैं मानता हूँ। नहीं और लाइटर नोट, अच्छा हमें कॉल आ रही थी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हेलो दिस इज फनीशा लाइव ऑन द एयर। Yeah, bhai. I would like to add something on this current conversation. यस I understand 2 दिन पहले हमारी ये बात हुई थी, मैं सुन रहा था कि you have your own freedom of choice, you know, you make a perspective and you know you keep that. I would just like to put forward an example from my own family. मेरा छोटा भाई सगा भाई, he lives in India. He makes 6 figures. He travels business class. He stays in 5-star hotels due to company work. Out of a month, he travels 20 days. I have come to US to set up my future with my wife and my kids. He has man up and, you know, taken care of my family, my mom, my dad, who are now senior citizens. He was in love with a young girl from Gujarat who is now a doctor. The same thing happened. Usne bola ki main mere maa baap ke saath hi rahunga. These guys were going around for like good 7 years, but things kind of, you know, took a sour turn and, you know, they had to get separated. My brother was in depression because of that. Uske baad bhi kitne aise mauke aaye to conclude ke wo koi aisi ladki dhoond nahi pa raha hai ki jo wo bol sake ki nahi main tere saath mein rahungi, main tere maa baap ke saath mein rahungi, tumhare maa baap ka dhyan rakhungi. They don't understand the perspective के जिन्होंने हमको इतना पाला पोसा बड़ा किया, they spend their energy, time, money, और ये उनकी एज ऐसी है कि you know, we have to be their support. Very few of us understand that, and it is very difficult to find a partner with the same mindset. Again, दीपिका जी ने जो कहा वो कुछ हद तक सही भी है कि आजकल की लेडीज और जो वुमेन है दे आर इंडिपेंडेंट, विच इज गुड. My wife was also independent. She's born Indian, grown up in Middle East, 27, 28 some years of her life. She's been a working woman before marriage, even after marriage for a couple of years. Even after coming to US, she supported me in my thick and thin. Lekin abhi mauka aisa aaya hai ki, you know, I have 2 kids, you know, we sat down, we spoke nicely that, you know, chalo theek hai, abhi main kaam karta hu. Let me work a little more harder and take care of the family in terms of financially, so you can take care of my kids. Because if agar maa kaam pe jayegi, baap kaam pe jayega, bachcho ko culture nahi milega, wo spirituality nahi milegi. So she agrees,
And my parents are happy with that. Now, my parents have set up an expectation that my little brother will get such a daughter, such a daughter, and which is very difficult to find one in India right now with the same mindset. कि मैं मेरा करियर छोड़ दूं, मैंने इतने साल पढ़ाई की, अभी मैं मेरा करियर छोड़ दूं और घर पे बैठ के माँ बाप का ध्यान रखूं. क्योंकि बैक ऑफ द माइंड इन इंडिया वुमेन वे ग्रोन अप इन सच ए वे कि नहीं वो 20 साल 25 साल जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसके माँ बाप उसको दबाते थे. फ्रीडम नहीं मिलती थी उसको कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, तुमको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा. अभी शादी हो जाती है तो वुमेन बैक होम यू नो She has her own mindset. कि नहीं अभी इतने साल तो मैं दब के रही मेरे माँ बाप से, अभी मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए. आपकी बात तो कुछ कारण ऐसा हो तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है साइकोलॉजिकली मेंटली कि वो पहले ही ना बोल देती कि नहीं मैं नहीं रहूंगी तेरे माँ बाप के साथ. वो ये जानने की कोशिश भी नहीं करती कि हाउ सपोर्टिंग दी अदर फैमिलीज के जो मैं नई फैमिली में जा रही हूँ जिसका हिस्सा बनने जाती हूँ, हाउ सपोर्टिंग दे आर और हाउ मच दे कुड कोऑपरेट. I had the same issue with my wife also. कि उसको ऐसा लगता था कि नहीं मेरा माँ इसके माँ बाप मुझे जाने नहीं दे. But they did. We used to keep my son at my parents' house. We used to live across. आमने सामने के हमारे apartment थे. कि मेरा दरवाजा खोले तो मम्मी का दरवाजा दिखता था. So I, if you had to go to movie late nights or something like that, yeah, definitely my mom used to take care of my kid, my son. See, I think ये बड़ा interesting topic है. ये जो हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी समस्या है इसकी. बिल्कुल ये समस्या तो एकदम है, इट्स अ रियल प्रॉब्लम. इट्स अ रियल प्रॉब्लम. एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ राम, वो ये है कि यू नो फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम हम लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि आदमी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, आदमी बहुत ज्यादा खराब से होते हैं, वुमनाइजर होते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ऑल ऑफ दैट. मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, होते हैं बहुत सारे आदमी, बहुत परसेंटेज में होते हैं. लेकिन जैसे फ्रीडम और जैसे इंडिपेंडेंस और जैसे मोरालिटी कम होती जा रही है, महिलाएं भी वैसी होती जा रही है. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ जो मैं पहले भी कह रही थी. यहाँ पे कानून जो है, यहाँ पे सिस्टम जो है, वो उन महिलाओं को भी उतना ही सपोर्ट करता है और पुरुषों के खिलाफ खड़ा हो जाता है जो खुद महिला गलत है. वहां पे प्रॉब्लम आती है. कोई महिला के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ सिस्टम है फाइट करने के लिए, एटलीस्ट लॉज है. मैं ये नहीं बोलती सारे विक्टिम्स को जस्टिस मिलता है, बिल्कुल भी नहीं. इंडिया में बहुत सारी औरतें हैं जिनको बिल्कुल जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन कानून है उनके साथ, सिस्टम है उनके साथ, कमीशंस बनाए हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, हेल्पलाइंस बनाई हैं. ये सारा का सारा चीजें जो है वो महिलाओं को मदद करने के लिए बनाई है. लेकिन जब एक आदमी खुद विक्टिम होता है, या तो झूठा केस पड़ा हो या खुद उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, ना ही तो उसको एक ऐसी महिला से फाइट करना पड़ता है जो कि खुद गलत है, बल्कि उसको सिस्टम के साथ भी फाइट करना पड़ता है. आज ही जो मैंने जिससे अपनी कॉल शुरू हुई, उसमें एक जो लड़का था जो मुझसे बात कर रहा था, उसको लड़की आगे बढ़ के बोल रही है, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, यू नीड टू टेक मी टू द होटल, यू नीड टू गो डू दिस, यू नीड टू डू दैट, इफ यू डू नॉट डू दिस, मेरा जान पहचान कमिश्नर ऑफ पुलिस के उसमें है, मैं तुझे अंदर करवा दूंगी. ऑलरेडी चार आदमी जो है अंदर जेल में है. नाउ दिस गाय लैंड्स अप इन द पुलिस स्टेशन ऑन अ फॉल्स कंप्लेंट बाय दिस गर्ल. वहां पे पुलिस क्या है, इससे 2 लाख रुपए मांगती है FIR फाइल ना करने के. उनको सारे एविडेंसेस दिख रहे हैं कि लड़की गलत है, और वो बोल रहे हैं कि लड़की जो है बिल्कुल आपके साथ ज्यादती कर रही है और झूठे आपको रेप के केस में फंसा रही है. लेकिन वो जो है फिर लड़की की फिर भी साइड लेते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं. फाइनली फिर भी उसके ऊपर रेप केस जो है वो सिस्टम वाले डाल देते हैं. अब उसको कहाँ जाना है, कोर्ट में जाना है. कोर्ट में उसका वो क्या हो गया, रेप अक्यूज्ड हो गया. तो आप सोचिए कि एक इंसान जो बिल्कुल ही इनोसेंट था, जिसके पास प्रूफ्स हैं कि उसको फंसाया जा रहा है, वो उसके कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है. आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. दीपिका जी, जो आप कह रही है वो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है. जो हमारे कॉलर अभी बात कर रहे थे वो एक प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम है, जिसके उसको एक स्टेप पीछे कि रीजंस जो हैं, रीजंस अदरवाइज होते हैं, या तो हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल. अब सर ने बात करी कि प्रेम, अब प्रेम हो गया, प्रेम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
लेकिन हस्बैंड का किसी और से प्रेम हो जाए तो वाइफ उसके ऊपर नहीं, तो वो मैं तो ये कह रहा हूँ बेटे का केस डाल देती है। मेरा तो यही वाइफ कहना है, वाइफ का अफेयर हो जाए तो भी हस्बैंड के ऊपर वो केस डाल देती है। तो अभी तो लीगल बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया में भी, ये तो अभी तो लीगल है। मैं कोई सेक्शन सुन रहा था ऑनलाइन कि भाई अगर आपको अडल्ट्री, आप जस्ट आई एम नॉट प्रमोटिंग इट ईदर वेज, आई एम सेइंग बट देयर इज अ केस लॉ और जजमेंट और सेक्शन कोड अंडर व्हिच इफ यू हैव अफेयर विद समवन इज नॉट पनिशेबल क्राइम एनीमोर। If you, affair is not a punishable crime, but that's not what I'm trying to talk about. हमारे caller की जो समस्या, मेरे पास 4 minutes है, I will try to address the caller का जो question था. So I think that is a very important important thing that that generation gap is there and new way of living is different. अगर हमें जो हमारी system है कि भाई माँ बाप को भी ध्यान तो रखना ही है, दो वजह से, एक तो माँ बाप से हमें प्रेम है, गाय और गर्ल दोनों की अपने माँ बाप से प्रेम है, दोनों को ही उनका ध्यान रखने की इच्छा होती है, मैं नहीं कहता सिर्फ लड़कों को होती है या लड़की को होती है, और दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर अगर वाइफ डज नॉट हैव एनी, वाइफ के फैमिली में कोई लड़के नहीं है तो उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ का ध्यान रखना है बाबा, तो सेम वे लड़के का भी बनता है। तो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंगली देखें, वी कैन कम अप विद क्रिएटिव सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम की भी जरूरत है, दोनों को, दोनों ही नीड्स को एक्नॉलेज करके कुछ नया सिस्टम, जैसे कि आप आमने सामने घर ले लो। जो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी जो कि इंडिया में थोड़ा मिसिंग है, वो है प्रीनप्शियल अग्रीमेंट्स। वेस्ट में जो है प्रीनप्शियल अग्रीमेंट्स वैलिड है, हस्बैंड वाइफ पहले ही डिसाइड कर सकते हैं एक कि हम लोग एक मैरिज में घुस रहे हैं, ये मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस है, हम म्यूचुअली इस मैरिज को चलाएंगे और ये थोड़ी हमारी जो अब मुझे बिल्कुल हंसी आने लगी है, ये प्रीनप्शियल इंडिया में नहीं है प्रीनप्शियल, आई एग्री, ये प्रीनप्शियल एग्रीमेंट तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। किसी प्रेसिडेंट था, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसके प्रीनप्शियल एग्रीमेंट में ये भी लिखवाया था उसने कि शादी के बाद एटलीस्ट 3 बार हम सेक्स करेंगे, अगर नहीं किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। So, नहीं, मुझे एग्रीमेंट किए जा सकते हैं, पर प्यार का एग्रीमेंट मेरे समझ के बाहर है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे सोसाइटी चेंज होती है ना, तो हर सोसाइटी एक चेंज से गुजरती है। अभी इंडिया में ऐसा लग रहा है कि वो वेस्टर्नाइज होने के तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो इंडियननेस को छोड़ नहीं पा रही है, तो अब वो बीच में अटकी हुई है, लिम्बो में है, वही कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, तो पुरानी जनरेशन कहती है कि हम, मतलब हमारा भी टेक कर गई, उनकी एक्सपेक्टेशन है, नई जनरेशन नहीं, वो होगा अलग ही रहेंगे, तो अभी ट्रांजिशन फेज में अलग तो रहना ही पड़ेगा। देखो, अगर नई जनरेशन कह रही है हमें सेक्स करने के लिए गर्लफ्रेंड को लाना है घर पे, माँ बाप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, वाइफ गर्लफ्रेंड कह रही है, लड़की कह रही है, अगर इनके सभी हम लोग शो खत्म करने वाले हैं कि प्लीज मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज जरूर देखिएगा, वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री दैट आई हैव मेड, इट्स अ ट्रू लाइफ स्टोरी टोल्ड बाय पीपल हु हैव गॉन थ्रू सफरिंग्स लाइक दिस। श्योर श्योर, YouTube राइट नाउ, इट्स कॉल्ड मार्टर्स ऑफ मैरिज एंड प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव एंड द कन्वर्सेशंस दैट वी हैव हैड टुडे एंड इंडिया सन्स आल्सो। आई वुड रिक्वेस्ट योर ऑडियंस टू प्लीज डू वॉच माय वर्क। Sure, definitely. We are on few seconds left, but thank you for joining us.